माँ का दूध पिलाने के बारे में अपने बच्चे को, जो कि अभी पैदा होने वाला है, ठीक है, आपका जो बच्चा अभी पैदा होने वाला है उसको आपने माँ का दूध पिलाना है, इस बारे में आपको मैं मालूमात दूंगी कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अच्छा, आपके पहले कितने बच्चे हैं? कोई नहीं है, लेकिन ये पहला बच्चा है, ठीक है। और अभी तक आपकी प्रेगनेंसी ठीक चली है, सब कुछ नॉर्मल है? हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपकी कब तक डिलीवरी यहाँ पे होने वाली? 3 वीक्स के बाद। अच्छा, 3 वीक्स के बाद, ठीक। तो अब मैंने आपको ये बताना है कि माँ का दूध जो है ना, जो बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप देखें, इससे माँ का दूध पिलाने से कुछ फ़वाद औरत को होते हैं जो कि आपको हो गया, कुछ फ़वाद आपके बच्चे को हो गए, ठीक है। और तो वो मैं आपको दोनों बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो फ़वाद आपको है वो ये है कि आपको जब आप माँ का अपना दूध पिलाएंगी तो आपको छाती का कैंसर क्या महसूस रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपने अपने पैसे लगाने हैं, जो आप दूध खरीदने पे, वो आप वो पैसे आप अपनी डाइट पे लगाएं, अपने खाने पीने पे, और दूध लाजमी पिए। अब अक्सर औरतें हमारे पास आती हैं, वो हमें कहती हैं कि हमारा दूध नहीं आ रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप अपनी जो आप अपनी डाइट पे पैसे खर्च नहीं करें, आप सही खाना पीना नहीं खा रही, पानी, फल, सब्जियां, और खासतौर पे दूध आपका पीना बहुत जरूरी है, बच्चे पे आ जाए। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप उसको वेट करती रहेंगी कि मेरा दूध आए और फिर मैं उसको पिलाऊं, तो ऐसे दूध नहीं आएगा। जब उसको अपनी छाती के साथ लगाएंगी तो वो आप उसको तो वो फिर जब करेगा तो फिर उसके बाद आप उससे आपकी बॉडी में एक ऐसी सिग्नल्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से आप उस आपका दूध और आएगा। और शुरू शुरू में अगर कम भी आए तो कोई मसला नहीं है, उसका उसके जो मैदे की जरूरत है, दूध कितनी देर बाद पिलाना शुरू करना है? उसको पैदाइश के आधे घंटे के अंदर अंदर आपने उसको पिलाना शुरू करना है। और मैं और यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं जो हमें कहते हैं कि शुरू में जहरीला दूध आता है वहाँ पर, जबकि ऐसी बात नहीं है। वही दूध बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुफीद है, उसके अंदर कुछ ऐसी कीमियाई मादे होते हैं जो आपके बच्चे के जहन की जहन के लिए, उसके नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। उसको बिल्कुल भी आपने जाया नहीं करना और उसको पिलाना है। और दिन में कितनी दफा पिलाना? जब दिन में जब भी जब वो मांगे, जब भी वो मांगे। और मांगे आपको कैसे पता चलेगा? इससे जब भी वो रोएगा उस टाइम उस तक का आपने इंतजार नहीं करना, क्योंकि उस टाइम फिर बच्चे माँ को तंग करते हैं, वो पहले रोने में सारा टाइम लगा देते हैं, वो नहीं पीते। तो आपने जब बच्चे ज्यादातर सोए रहते हैं, तो जब से जब वो सोने से उठे, थोड़ी हरकतें करे, अपने मुंह में हाथ डाले या कुछ अपना हाथ इधर लेके आए, उस टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि इसको भूख लगी है और दूध चाहिए। उस टाइम पे पिला दें, ना कि आप वेट करती रहें कि रोएगा फिर पिलाऊं। उस टाइम आपको तंग कितनी देर से वो जब हो रही हो, हाँ। और उसकी और ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो बच्चे की पोजीशन और आपकी पोजीशन बहुत ज़रूरी है, आपने आगे झुकना नहीं है और खुद बैठे रहना, बिल्कुल से बेशक टेक लगा लें और बच्चे को अपने पास लें, ठीक है। और उसका ये है कि उसका सारा जो है वो आपके ताकि वो खुद जोर लगा के पिए, ठीक है। और उसे ब्रेस्ट फीडिंग का बता, हाँ। और ये और अच्छा, मैं थोड़ा उसको पानी वगैरह पिलाती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने पानी या कोई भी गुट्टी या कोई शहद कुछ तरह का कुछ भी नहीं करना, फीडर में नहीं देना, जो बिल्कुल भी नहीं। पहले 6 महीने आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना, सिर्फ अब माँ का दूध पिलाना है, फीडर में इवन पानी भी नहीं देना, और कोई गुट्टी या कोई सौंफ इलायची का पानी या कावा बिल्कुल आपने उसको नहीं देना। और ये अब बच्चे को इससे क्या फायदा है, वो ये है कि उसकी ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ये हमारी रिसर्च कुत मुदाफियत बढ़ाता है और उसकी ज़हनी नशोनुमा बहुत अच्छी है, पेट की खराबी, सांस की खराबी, ये सब मसाइल से बच जाएगा। और हमारी जो रिसर्च है वो यही कहती है कि जो बच्चे ना कि इस टाइम पे वो बीमारियों से महफूज रहते हैं, बल्कि आगे जाके जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं तो वो और बच्चों से ज़हनी तौर पे वो आगे होते हैं। तो ये इस बात जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपने उसको अपने माँ का दूध पिलाना टाइम आप